वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पे आज देखा टी डब्ल्यू टेस्ट ऑफर सेट थ्री तुम वार्षिक परीक्षा पे उपयोगी प्रश्न उत्तर गुड़िक जमीती बुझाजी गोटे बुझे निजे भी चेष्टा कर। एक नंबर प्रश्न दक्षिण रु उत्तर को एक समचुंबक क्षेत्र मध्य एक इलेक्ट्रॉन गुच्छ पूर्वर पश्चिम को गति कला बेले से मानकर विक्षेपण के दिग को हे प्रथम तुम यह कर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के लिखिद पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन कहला दक्षिण रु उत्तर को दक्षिण रु उत्तर को रही समचुंबक क्षेत्र मध्य आम चुंबक क्षेत्र रही दक्षिण रु उत्तर को अर्थात चुंबकटा चुंबक क्षेत्र बर्तमान आम उत्तर को अच्छे अर्थात आम कह आम सामना को बर्तमान अच्छे चुंबक क्षेत्र दिगटा इलेक्ट्रॉन गुच्छा पूर्व पश्चिम को जाऊँ इलेक्ट्रॉनटा जा पूर्व पश्चिम को इलेक्ट्रॉन जदि पूर्व पश्चिम को जीव ताले विद्युत ताले तार विपरीत जीव विद्युत ताले वर्तमान को ऊपर को जाउची ना पूर्व को जाउची बुझेला ताले विद्युत वर्तमान जाउची हम डाहाण को विद्युत जाउची वर्तमान हम डाहाण को चुंबक क्षेत्रटा होउची हमरो सामना को ताले से मानकर विक्षेपणटा केउ दिग को हबो विक्षेपण माने होउची बलर दिग ताले से कहउची बलर दिगटा ताले कोपट को हबो ताले देख आमर डाहाण को हेला कोन विद्युत स्रोत सामना गला कौन आम चुंबक क्षेत्र लक्ष्य कर टे बर्तमान ये आंगुलटा देख आम फ्लेमिंग बामस्त नियम प्रयोग करे ये जी आम बर्तमान करवा तेल एपटा कौन है पूर्व ये है पश्चिम यहाँ है तुम उत्तर यहाँ है दक्षिण तेल देख आम सामना को अर्थात उत्तर को आमर अच्छी चुंबक क्षेत्रटा कहीं तर्जनीटा आम चुंबक क्षेत्र दर्शाए आउ देख आम डाहाण को यही आंगुलटा आम मध्यमाटा कौन देखा विद्युत प्रवाह दिग विद्युत स्रोतर दिग ताले आम ये वृद्धांगुला कौपट को रोक वृद्धांगुलटा यहाँ रोक कौटी ना उपर को जोटा कि तुम विद्युत जो आम विक्षेपर दिगटा से आमको दर्शेब बलर दिगटा से आमको दर्शेब किए वृद्धांगुली ताले फ्लेमिंग जो वामस्त नियम हो कि दक्षिणस्थ नियम हो जो तीन टा आंगुली वृद्धांगुलटा तुम बलर दिग देखाए मध्यमाटा तुम देख विद्युत सूत्र दिग तर्जनटा देख तुम चुंबक क्षेत्र दिग बुझेगा तेल आम बर्तमान चुंबक क्षेत्र जेहेतु आम जा उत्तर को आम उत्तर को देखले विद्युत सूत्र जेहेतु आम जामर डाण को अर्थात पूर्व को आम पूर्व को रखिले मध्यमाटा तेल आम वृद्धा आंगुली तेल बलर दिगटा विक्षेपटा आम कौपट को तेल हे ना उपर को हम बुझेगा। दुई नंबर एक सोलेनोइड्रे विद्युत प्रवाह समय रे एहा मध्यरे की प्रकार चुंबक क्षेत्र सृष्टि हुए ना समचुंबक क्षेत्रटा सृष्टि हुए। तीन नंबर कॉर्कस्क्रू नियम को आउ कौन कह जाए ना दक्षिणस्थ वृद्धांगुली नियम बोली भी ताको मध्य कहा जाए। चार नंबर चुंबकर चतुर्पार्श्वस्थ जो अंचल चुंबकर प्रभाव अनुभूत हुए ताको कौन कह जाए ना ताको आम कह चुंबकीय क्षेत्र। पांच नंबर केउटी विद्युत विभवांतर एकक नुहे विद्युत विभवांतर माने कौन भि देख भि इज इक्वल टू आम जानचे कौन ना आईआर पुणी देख ये कहला एम्पियर इंटु ओम ताले आईआर एटा ता एककटा तापर कहला व्हाट इंटु एम्पियर व्हाट माने व्हाट इंटु एम्पियर टू दि पावर माइनस वन कहवा पी बाय आई ताले आम जानचे कौन ना पी इज इक्वल टू भि आई आम जानचे ताले आई इज इक्वल ताले कौन हम आई इज इक्वल टू तुम है पी बाई भी कितना आम भी दरकार ताले भी इज इक्वल ताले कौन हम ना पी बाई आई ताले ये पावर पावर इंटु आमर कहीपरिजे एम्पियर टू दि पावर माइनस वन व्हाट इंटु एम्पियर टू दि पावर माइनस वन भी तुम है कौन ना विभवांतर भोल्ट तापर दिला जूल इंटु कुलम टू दि पावर माइनस वन जूलटा कौन ना डब्ल्यू इंटु कुलम टू दि पावर माइनस वन कुलम टू दि पावर माइनस वन कहे आम लिखिपर कौन ना बाय कुलम आम जानचे कौन ना डब्ल्यू इज इक्वल टू भी क्यू ताले भि इजिकल ताले कौन हम ना डब्ल्यू बाय क्यू ताले डब्ल्यू बाय क्यूटा भी तुम कौन है भि तापर देला व्हाट इंटु सेकेंड व्हाटा तुम कौन है पी इंटु सेकेंड पर आम कौन आने टी ताले पी इंटु टीटा ताले आम कौन कह एनर्जी आम कह ना बे तो विद्युत शक्ति ताले एटा ताले तुम विभवांतर एकक नुहे कौटा ना व्हाट इंटु सेकेंड
छः नंबर विद्युत बल्बर सूत्र रूपे क्या व्यवहार कराए टंगस्टन को। सात नंबर खंडीय तारे 20 mA विद्युत स्रोत 20 mA कहला तेल आई इज इक्वल टू 20 mA। 1 mA तुम रोचे 10⁻³ A तो यह लिख पार 20 × 10⁻³ A। विद्युत स्रोत 2 घंटा पाई तो टाइमटा तो आमको लिखे दे 2 घंटा ये सेकेंड में प्रकाश कले के 7200 सेकेंड। मोट के चार्ज प्रवाहित हे तो चार्ज मान क्यू क्यू इज इक्वल टू कौन है आई टी समान 20 × 10⁻³ को आम कौन लिखिपर ना बाय 10³ × 7200 समान 20 विभक्त कीटा तुम के 1000 × 7200। ये दुटा शून्य दुटा शून्य कटिगला ये गोटे शून्य ये गोटे शून्य कटिगला तो 72 × 2 तेल यहाँ के तुम ना 144 कुलम है यहाँ तुम आंसर हम 144 कुलम। आठ नंबर R1 एवं R2 प्रतिरोधर द्वयर समांतर संजोग हेतु समूह प्रतिरोधरा केते होबो तले एठी 1/R इज इक्वल टू आमे कोन लिखबा ना 1/R1 प्लस 1/R2 तले 1/R इज इक्वल टू लॉस आउ तले के आसीबो ना R1 R2 तले एरा तमरो कोन होबो ना R2 प्लस R1 तले R इज इक्वल टू बर्तन उल्टी जीवो R1 R2 विभक्त को R1 प्लस R2। नौ नंबर केउटी बर्तुल दर्पणर सूत्र अटे दर्पण सूत्रटा कौन ना 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। दस नंबर 10 cm लंबर एक मोहम्बती तले मोहम्बतीर उच्चता तले केते देला हमको 10 cm तले H इज इक्वल टू केते देला 10 cm। एक उत्तल दर्पणर पोल ठारो 2 cm दूर रे तले मोहम्बतीला को 2 cm दूर रखा है तले U इज इक्वल टू -2 cm। प्रतिबिंब उच्चता के 6 cm तेल एच डी एस इज इक्वल के 6 cm हेल्ले प्रतिबिंब दूरताटा से आमको के मागिला आम जानचे एम इज इक्वल टू एच डी एस बै एच इज इक्वल टू -V/U तेल 6/10 इज इक्वल टू -V/Uटा तुम के -2 माइनस माइनस कटिगला 2×5 = 10 तेल V इज इक्वल टू के 6/5 इज इक्वल टू 1.2 cm। 11 नंबर 6 cm फोकस दूरता एक उत्तल लेंस ठारु तले उत्तल लेंस फोकस दूरता तले आमको एपटा तले के 6 cm। 10 cm दूर एक वस्तु रखिले तले युटा तले आमको के -10 cm हेले प्रतिबिंब दूरता से आमको केते मागिला लेंस सूत्र आम जानचे 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F तले 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F के 6 प्लस 1/U के -10 तले 1/V इज इक्वल टू 6 × 10 लॉस आउ देखिया 2 × 3 = 6 × 2×5 = 10 के 5 × 3 = 30 30 × 6 के 5 ये प्लस माइनस होगा -30 × 10 के 3 × 3 इज इक्वल टू 2 / 30 2 × 2 = 15 1/15 तेल भी के ना 15 cm। 12 नंबर आलोकर गतिपथर एक क्षुद्र अस्वच्छ वस्तु निकट में आलोक रश्मि बंकाए यह आलोकर कौन कह जाए यह आलोकर आम विकीर्णन बोली कही था। 13 नंबर विद्युत स्रोतर प्रथम मनुष्यकृत उत्स हेउची सरल वोल्टीय सेल। 14 नंबर आधुनिक पर्याय श्रेणी तृतीय पर्यायर तृतीय मौलिक है एक्स तृतीय पर्यायर तृतीय मौलिक एक्स माने तार जोजदारा केते आसला तुम 3 एवं द्वितीय पर्यायर सप्तम मौलिकटा है वाई द्वितीय पर्यायर सप्तम मौलिक वाई माने तार जोजदारा केते आसीबो 1 ताल तांको संकेत कोन होबो बर्तन एटा को क्रॉस करो कोन पाइबा संकेतटा ना XY3। 15 नंबर कहार इलेक्ट्रॉन संरचना तीनो ठारु अलग देख हीलियम नियन आर्गन एटा एक्स नंबर एटा एक्स हो जेनन य चारटा को तुम गोटे की गैस एगुटा सब तुम रोच निष्क्रिय गैस
निष्क्रिय ग्यास जोड़ा कि तुम्हारे ग्रुप नंबर 18 रही कि खाली हीलियम बाह्यतम कक्षे दुईट इलेक्ट्रोन कितु एम बाह्यतम कक्षे 8 इलेक्ट्रोन रही तेणु से दृष्टि आम किए अलग हम हीलियम। 16 नंबर केउटी भूल जलर विद्युत विश्लेषण बेले कैथोडटे ऑक्सीजन गैस बाहर कैथोडटे ऑक्सीजन गैस बाहर ना कौटी बाहर यहाँ एनोड्रे तुम ऑक्सीजन गैस बाहर तेनालीटा ही हूँ तुम भूल। 17 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउं धातु अम्ल सह प्रतिक्रिया करे ना देख अम्ल सह किए प्रतिक्रिया करे ना सुना रूपा से धातुराज बोली सुना रूपा देख कौटी अच्छी तुम यहाँ सी ऑप्शन ने अच्छी। 18 नंबर विशुद्ध जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रवीभूत हेले द्रवण पीएच किपर बदले देख विशुद्ध जल पीएचटा तुम के 7.4 जो तुम जल में जिते तुम कौन मिसेब ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिसेब कौन पाइब ना कार्बनिक अम्ल तुम पाइब अम्ल पाच मैंने या पीएचटा निहाती 7 रु कम हो तेणु आम विशुद्ध जल पीएचटा के 7.4 बर्तमान जो आम पाइले अम्लटा ता पीएचटा कौन हो ना 7 रु कम ता पीएच ताले कौन हम ना ह्रास पाइब। 19 नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण में निम्नोक्त केउं अम्लरु रासायनिक प्रतिक्रिया सृष्ट लवणर जलीय द्रवणर पीएच सर्वाधिक हेबो कला सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण में निम्नोक्त केउं अम्लकु आमे रासायनिक प्रतिक्रिया करिबा जो लवणटा आमे पाइबा से लवणर जलीय द्रवणर पीएच रा सर्वाधिक हेबो अर्थात पीएच रा अधिक हो माने पीएच रा ग्रेटर देन 7 हो पीएच जब ग्रेटर देन 7 हो माने जो जल द्रवण आम जो लवण जल द्रवणटा पाइले से लवणटा ताले कौन हो दरकार ना क्षारिय से लवणटा क्षारिय प्रकृति आसो क्षारिय प्रकृति केतेबेले हेबो जेतेबेले आम सबल क्षार सांगरे कौन मिसेबा ना दुर्बल अम्ल जेतेबेले आम मिसेबा सेतेबेले आम जो लवण आ जल पाइबा सेतेबेले आम जो लवण आ जलटा पाइबा से लवणर प्रकृतिर तुम कौन हो ना क्षारिय होता आंक भितर बर्तमान देखा क्यों अम्लटा तुम हो दुर्बल अम्ल आम सबल अम्ल गुड़ा मन रखा सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आम आलोचना भितर जोड़ा सब अच्छी सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड छाड़ला पर रहा कि आउ ना H2CO3 जो कार्बनिक अम्ल यहाँ तुम हो दुर्बल अम्ल बुझेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को जितने आम या सांगे मिसेवा तेल आम ये कौन पाइबा ना सोडियम कार्बोनेट सांगे आम जल पाइबा तेल सोडियम हाइड्रोक्साइड को जोबले तुम्हें कार्बनिक अम्ल जो मिसेब कौन पाइब ना सोडियम कार्बोनेट सांगे तुम्हें जल मध्य पाइब ये सोडियम कार्बोनेट प्रकृति में कौन आसो ये क्षार आसो एटा तुम जेग जल द्रवणीय लवण। 20 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस नामटा कौन प्लास्टर पेरिस संकेत तुम कौन ना CaSO4H2O तो आपको कौन कह जाए कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट हेमी मान अधा जल अणु मन रखिए हेमिहाइड्रेट मान अधा जल अणु आज तुम रहा कौन जिप्सम CaSO4H2O ताको आम कौन कह कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोली आम तक कह तेनाली कौन आसो ना ए ऑप्शन तुम उत्तर हे। 21 नंबर निम्नोक्त केउ जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया करिवे विस्थापन प्रतिक्रिया पई तुम्हें आगे से जो प्रतिक्रियाशीलता को तुम टे मैं माइंड रख तुम बहर जो 47 नंबर पेज देख धातु धातु जो अच्छे प्रथम तुम किए अच्छे ना पोटासीयम तापर सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर, मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड तेनाली बर्तमान देख प्रथम कहला NaCl प्लस CU तेल देख ये NaCl आउ CU कही चलिए विस्थापन मानने विस्थापन आगे साधारण रूपटा के देख ना ए प्लस बी सी दब जा तुमको कौन ना बी प्लस ए सी दब तेल एटा ये निहाती बी ठार कौन होता दरकार ना अधिक प्रतिक्रियाशील होता दरकार तेणु बी सी मैंने जोड़ा आम सब जोगिक होते तेणु NaCl जिते प्लस कॉपर कहला तो कॉपरटा ये NaCl रु सोडियम को बाहर कर पार कि देख ये सोडियम ठार बहुत तले देख जा किए तुम ये कॉपर अच्छी तेणु कॉपर केबे भी सोडियम क्लोराइड सोडियम को बाहर करना कहला MgCl टू प्लस AL तेल आगे लक्ष्य करवा ये क्या आसला मैग्नीशियम ये क्या एल्युमिनियम
तेणु एल्युमिनियमटा मैग्नेशियम क्लोराइड मैग्नेशियम को बाहर करें कि ना देख ताने तुमर निहाती एल्युमिनियम तले मैग्नेशियम रहा दरकार तेज जाए एल्युमिनियम मैग्नेशियम को विस्थापित कर कितु ये लक्ष्य कले देखा मैग्नेशियम तले एल्युमिनियम रोचे तेज़े मैग्नेशियम टा एल्युमिनियम ठार अधिक प्रतिक्रियाशील तेनाली भी तुम विस्थापन प्रतिक्रिया हेबना तापर दे फेरोसल्फेट सागर किए देला ना आम सिल्भर दे मैंने सिल्भर केत फेरोसल्फेट रु आईरन को केत बाहर करते तुम सिल्भर टा आईरन ठार अधिक जब प्रतिक्रियाशील होती कितु ये लक्ष्य कर आगे तुम रही किए आईरन तापर आस तुम किए रहा तुम सिल्भर रहा तेनाटा भी हम ना तापर किए देला ना सिल्भर नाइट्रेट प्लस कॉपर तेल ये लक्ष्य करवा कॉपरटा सिल्भर ठार अधिक प्रतिक्रियाशील कि ना ये लक्ष्य कर प्रथम रही किए कॉपर तापर किए रही सिल्भर तेनाली कौन करना कॉपरटा सिल्भर को विस्थापित करें कौन पाइव ना आमर कॉपर नाइट्रेट सांगे कौन पाइब ना सिल्भर पाइब तेणु एक क्षेत्र में तुम विस्थापन प्रतिक्रिया हो तेनाटा को टी माइंड रख विस्थापन प्रतिक्रिया बुझेगा तेल ये कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल टू प्लस सिल्वर है 22 नंबर क्योंटि भूल आयोडीन एकमात्र उज्जवल अधातु देख आयोडीन भी तुम हूँ कौन उज्जवल अधातु तांगे हीरा भी तुम आसो कौन ना उज्जवल अधातु आसव तेणु आयोडीन एकमात्र उज्जवल अधातु ये आम कहीपर ना सेकेंड रहा कौन ना ग्राफाइट अधातु विद्युत सुपरिवाही यहाँ ठीक अच्छे हीरा सब कठिन पदार्थ हीराटा तुम रोच कठिन पदार्थटा तेणु ये देख आम आंसर तेल किए हम ये केवल थार्ड दे थार्डा तो आम भूलुक्ति नुहे तापर कहला आईओ सेकेंड आई भितर आम देखुचे आयोडीन एकमात्र उज्जवल अधातु ये आम बही कि आम जी देखा हीरा भी हूँ तुम एक कौन उज्जवल अधातु कि कार्बन गोटे अपर रूप तेणु से क्षेत्र जब आम देखापी जा बही हिसाब से जीवा तो आयोडीन एकमात्र उज्जवल अधातु तो ठीक अच्छे है आम ये देखा तो ये तीन टाक उक्ति आम पाखे कौन अच्छी ना ठीक अच्छे ये कौन भूल उक्ति ना ये आंसर कौन हाँ ना कौन सी नुहे 23 नंबर हाइड्रोजन सल्फाइड अणुगठन केतोटी इलेक्ट्रॉन बंध गठन आवश्यक देखो हाइड्रोजन सल्फाइड जो तुमको कहला H2S सल्फर आमर परमाणु क्रमांक के तुम सल्फर सल्फरटा हो तुम षोह सल्फर परमाणु क्रमांक तुम के षोह तेल यहाँ के तुम 2-8-6 तेल तार निकटतम निष्क्रिय गैस तार मैंने जो तार आर्गन तार के इलेक्ट्रॉन आवश्यक होती दुईटा हाइड्रोजन सेमती हिलियम तार के दरकार होती गोटे ये के हाइड्रोजन अच्छे दुईटा तो आउ गोटे हाइड्रोजन केतटा हो गोटे तेनालीरें तेल ये केतेटी इलेक्ट्रॉन तेल बंध गठन आवश्यक हे बर्तमान यार केतटा आसला सल्फर दुईटा हाइड्रोजन केतटा आसला दुईटा तेल दुई युक्त दुई सतरा के चार्टा 24 नंबर सर्वाधिक जौगिक सृष्टि करुवा मौलिकर के इलेक्ट्रॉन संरचना अटे सर्वाधिक क्यों मौलिकटा जौगिक सृष्टि कैर ना कार्बन तेल कार्बन इलेक्ट्रॉन संरचना तार इलेक्ट्रॉन संख्याटा के छटा तेल तर संरचना तेल कौन हम ना 2-4 25 नंबर C6H12 क्यों संरचनाटी पृक्त जौगिक अटे अर्थात हेक्सिन क्यों संरचनाटी पृक्त जौगिक अटे पृक्त कही मैंने ये आमर जो हेक्सिन कौ संरचनाटार मैं तार कार्बन कार मध्य एक बंध थी तेल आम जाचे जे कार्बन कार मध्य एक बंध जो आम कौचे जोटा कि आम साइक्लो हेक्सेन आसे कौटार आसे ना साइक्लो हेक्सेन आसो कहीं आम जो कौचे साइक्लो आल्केन सीना आम कौचे आल्केन बोली कितु तार संकेत सब कौ रूप से थाए ना आल्किन रूप से थाए एवं एटी कार्बन कार मध्य सब एक बंध कहना देख ये साइक्लो हेक्सेन तार देख बर्तमान स्ट्रक्चरटा ये सबुरा तार देख ये एक बंध प्रत्येक कार्बन पाखे दीदा लिखा हाइड्रोजेन ये कार्बन कार मध्य एक बंध अच्छी मैंने ये तुम कौन होना पृक्त जौगिक यहाँ तुम कौन ना चक्रिय संरचनाटा 26 नंबर आम शरीर केव अम्ल खाद्य क्षतिकारी बैक्टेरिया को मारिदे लवण अम्ल 27 नंबर अवशोषण पर खाद्य रक्त द्वारा बाहित हो समस्त कोष निकट में पहुँचे और सेठार विनिजोग शक्ति मज्जित होगा प्रक्रिया को आम कौन कही था आत्मीकरण 28 नंबर आलोशोषण शक्ति कहले क्या बुझाए
आलो शोषण शक्ति कहले आम NADPH आउ ATP को बुझी था। 29 नंबर केउठारे खाद्य पदार्थर अवशोषण हुए ना खाद्य पदार्थर अवशोषणटा आम मुख गहर में हुए ना। 30 नंबर श्वसन रेउ पर्यायर जल प्रस्तुत हुए श्वसन रिलेक्ट्रोन परिवहन संस्था जलटा तुम प्रस्तुत होता है। 31 नंबर प्रश्वास समय बक्षगोहर आयतन प्राय शतकड़ा केते वृद्धि पाए 20 शतकड़ा वृद्धि पाए। 32 नंबर साइट्रिक अम्ल चक्र को किए आविष्कार करते साइट्रिक अम्ल चक्र को हैंड स्क्रेप्स आविष्कार करते। 33 नंबर हृत्पिंडर चारोटी प्रकोष्ठ मध्य क्यों प्रकोष्ठ अधिक दक्ष अटे वाम निलय। 34 नंबर प्रथम बिल क्या उपस्थित थ्रम्बिन परिणत हुए प्रथम बिलटा थ्रम्बिन तुम रही है क्या उपस्थित ना कैल्शियम प्लस प्लस आयन उपस्थित है जो थ्रम्बिनटा ये तुम गोटे सक्रिय एंजाइमटा जोटा कि तुम रक्त को जमा बांधे साय करता है। 35 नंबर प्लाज्मा रे एंटीजन को चिन्ह पार्थ्वा प्रोटीन को कौन कहा जाए एंटीबॉडी। 36 नंबर क्यों प्रक्रिय शरीर वर्ज्य वस्तु गुड़िक निष्कासित होगा सह विभिन्न जैव रासायनिक कार्यकलापर संतुलन बजाय रोहे रेचन। 37 नंबर मनुष्य पाकतंत्र क्यों अंश वर्ज्य वस्तु निष्कासन करिवार सहायक होता है पाकतंत्र जड़ित किए रही जकृत जीकि आम वर्ज्य वस्तु को मध्य निष्कासित करिथाय। 38 नंबर बाह्य उद्दीपना प्रभाव में उद्भिद विभिन्न प्रकार चलन परिलक्षित हुए यह कौन कहा जाए अनुवर्तन चलन। 39 नंबर मस्तिष्क बाह्य आवरण को कौन कहा जाए मेनिंजेस। 40 नंबर स्नायुकोशर केउठारु एसिटिल कोलिन तुमर क्षरण होता है ना आक्सन शेष भाग जो बार्ता पहुँचे से आमर एसिटिल कोलिन क्षरण होता है। 41 नंबर बाछुरी गाई क्षीर को चुचुमिले केउं हार्मोन प्रभाव जोगु क्षीर बाहर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 42 नंबर ब्लास्टुला गर्भाशय कांथरे निबुड़ भाव लागि रहबा प्रक्रिया को कौन कहा जाए अंतरपण। 43 नंबर गोटे प्राथमिक डिम्बाणुकोशर परिपक्वन प्रावस्था शेष में केतोटी पोलार बॉडी तैयारी होता है तीनोटी पोलार बॉडी तुम तैयारी होता है चित्र तुम्हें देखी नब से तुम तीन टा छोट छोट तीन टा पोलार बॉडी तुम तैयारी होती। 44 नंबर परिपक्व डिम्बाणु क्यों थे थाए परिपक्व डिम्बाणु तुम ग्राफियान फलिकल मध्य थाए ग्राफियान फलिकल तुम जो परिपक्व डिम्बाणु बाहर को बाहरी आसे से ग्राफियान फलिकल जगह तुम से कौन या जाए ना कर्पस लुटियम तुम या हुए जोठार कि तुम प्रोजेस्टेरोन हार्मोनटा तुम खेलित हुए। 45 नंबर ईस्ट रे क्यों प्रकार जनन देखा जाए कलिकन। 46 नंबर फुलर क्यों अंश में जायक कोष मैंने रही था फुलर एटी तुम देख पू केशर तुम ये जायक कोष मैंने रही था। 47 नंबर क्या सकल शक्ति आधार कहा जाए सूर्य। 48 नंबर क्यों खाद्य स्तर में शक्तिर परिमाण सब कम आम जानचे आम परिसंस्था अति बेसि पांचटी खाद्य स्तर रही पार तेणु शेष खाद्य स्तर किए पंचम। 49 भूपृष्ठ केते किलोमीटर उपरको वायुमंडल व्यापी भूपृष्ठ 640 किलोमीटर उपरको व्यापी। 50 नंबर डाली जातीय फसल चेर में क्यों बैक्टेरिया जैव खाद्यान्न विबंधन कै राइजोबियम बैक्टेरिया बुझेगा भल बाटे करिवो।